डिस्प्ले तो हमारा फॉरएवर डिस्प्ले है, ये F5 है जैक का। ओके आज की डेट में बुटीक पे और बहुत चलता है ये फैक्ट्रीज में, जो बंदे घर से थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं छोटा मोटा। ओके तो इस मशीन से करते हैं लोग, ठीक है। तो जैक की मशीन है, जैक की मशीन कितने से स्टार्ट हो जाता है, कुछ लगभग आइडिया दे दो। लगभग आइडिया आपको देते हैं कुछ 22,000 रुपए पकड़ के चलिए आप, फिर बैठ के बात तो हो ही जाती है। ओके ओके। और ये सर, ये भी F5 ही लगा हुआ है आज, मेरे ख्याल से लास्ट वाली वीडियो में भी शायद यही तीन का कॉम्बो था। यस यस यस। हाँ तो सर कहने का मतलब ये है कि हम जो नया मशीन लेंगे तो उसमें स्टैंड फट्टा सब साथ में इंक्लूड है, सेम आएगा, बिल्कुल सेम जैसे खड़ा है पूरा सेट पूरा। हाँ अच्छा, ये डिस्प्ले में दिखाने के लिए कि आपको मतलब कितना स्पेस, ऐसे ही मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग प्राइस भी बता दिया, ये भी सेम वही होने वाला है सर? ये भी अगर लास्ट वीडियो खोलेंगे तो मैंने प्राइस दिया था इसमें। हाँ जी हाँ जी, वही प्राइस है आज भी, ठीक है। और इधर चलते हैं तो सर फिर से आ गया ये सिंगर का, सिंगर आ गई सर दोबारा से। तो ये वर्कमेट है हमारी, बहुत सारे टेलर्स को यूज करते हैं जो बुटीक में हैं, घर पे छोटे मोटे बुटीक वाले जो आज भी पैरों की मशीन चलाना पसंद करते हैं। ओके वो इस मॉडल को बहुत प्यार करते हैं। और ये भी कितने से स्टार्ट हो जाते हैं लगभग? ये आपकी कुछ इसकी स्टार्टिंग है कुछ 8,000 से। 8,000 से। तो दोस्तों आपको प्राइस जानने है तो डिस्प्ले पे नंबर है, कॉल कर सकते हो सर से, प्राइस और फोटोज मंगवा सकते हो, ठीक है। ये भी सर कलर चेंज है यार? हाँ ये कलर चेंज है, ये एक्चुअली कलर चेंज करा है कंपनी ने। दोनों मॉडल अवेलेबल है, ये वर्कमेट न्यू है, ये वर्कमेट है सादा। ओके यानी नए नए जो भी मॉडल आते हैं आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल आ जाते हैं। ओके और ये सर घरेलू के लिए? ये भी घरेलू के लिए ही है देव भाई, बिल्कुल ये भी घरेलू के लिए, ये यूनिवर्सल मॉडल है। ओके हाँ जी, ये मॉडल यूनिवर्सल है हमारा। आगे हमारी खुद की आ गई गोल्ड। ओके अच्छा, गोल्ड आपका खुद का ही है मतलब? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये गोल्ड कितने से स्टार्ट हो जाता है सर? गोल्ड हमारी स्टार्ट हो जाती है कुछ 7,000 रुपए से। 7,000 रुपए से। हाँ हाँ। और ये घरेलू और टेलर भाई भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, टेलर तो हमने तो कई बार, मैं जैसे लाजपत नगर जाता हूँ, बहुत सारे टेलर के पास देखी है मैंने, वहाँ पे लगी होती है। तो वो आपकी ही मशीन है? हाँ, हाँ। मैं कई बार बोल भी देता हूँ कि आप मेरी मशीन चला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई हमारी पुरानी भी होती है तो हम उनको बोलते हैं कि आप हमारी इतनी पुरानी मशीन चला रहे हो कि आप नई मशीन लेना पसंद करोगे तो आप आ जाइए, हम आपको नई भी दे देंगे। बहुत बढ़िया, जो हमारी पुरानी चला रहा होता है उसके लिए तो फिर हम करेंगे कुछ ना कुछ। आगे चलते हैं तो सर ये भी अगेन गोल्ड आ गया। हाँ ये भी, ये स्क्वायर मॉडल में है और ये राउंड मॉडल में है। अच्छा मॉडल चेंज हो जाएगा, मॉडल चेंज है, ठीक है। ये सर, और ये आपकी उषा की है। हाँ और ये उषा में फिर तीन वेरिएंट है अभी हमारे पास, ठीक है। कितने से स्टार्ट हो जाता है आपके पास उषा? उषा में सबसे सस्ती जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है 7,000 से। 7,000 से। ये 7,000 से स्टार्टिंग है, ये थोड़ी सी और महंगी है, फिर ये थोड़ी सी और महंगी है। हाँ हाँ जी। अच्छा यहाँ पर चल रहे हैं तो यहाँ पे ब्रदर्स की भी कलेक्शन में देख रहा हूँ। ब्रदर के तो सबसे ज्यादा अवार्ड मेरे आज तक के जब भी मेरे को मिले हैं, हाँ सर, वो ब्रदर के ही मिले हैं। ब्रदर और जैक ज्यादा माल बिकता है सर? ये एक तो मैं इनकी क्वालिटी के बारे में बताना चाहूंगा, शायद हमारे कस्टमर्स को, काफी कस्टमर्स को इनकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं है। ये वर्ल्ड के टॉप ब्रांड में से है। ओके और यही एक अकेला ऐसा ब्रांड है जो आपको वर्ल्ड वाइड मिलेगा, अगर आप दुनिया में कहीं पे भी ये वीडियो खोली जाएगी। हाँ। तो ये एक ब्रांड ऐसा है, अगर आप इसकी कभी आप चेक करना चाहेंगे इसके आउटलेट्स कहाँ कहाँ है, तो यही एकमात्र ब्रांड ऐसा है जो आपको वर्ल्ड वाइड मिलता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं तो सर यहाँ पर भी कुछ मशीनें, इन मशीनों का रेंज बताइए कहाँ पर यूज हो सकते हैं ये? ये कढ़ाई की मशीनें हैं देव भाई, ये तीनों ही कढ़ाई की हैं और कढ़ाई पीको करने वाली मशीनें हैं। ओके तो अभी जो ये फिलहाल जो लगी है ये कढ़ाई के सिस्टम से लगी हुई है, हैवी मतलब हैवी ड्यूटी में, हैवी ड्यूटी में ये कढ़ाई के मतलब से लगी हुई है। हाँ और ये आप पीको पे भी कर सकते हो, मतलब ये हम हटा के, ये जो बड़ा वाला है इसे हटा के ऐसे नॉर्मल वाले पे भी लगाएंगे तो ये पीको पे भी चलेगी। ओके और इसके रेंज कितने से स्टार्ट हो जाता है? इसकी रेंज जो हमारी स्टार्टिंग है वो 12,000 से स्टार्टिंग है। ओके हाँ ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये कौन सी मशीन होने वाली है? ये रिप कटर है, ये टी शर्ट्स के लिए यूज की जाती है, जो टी शर्ट्स का आपका ऊपर कॉलर का, कॉलर कॉलर हम लोग रिप बोलते हैं उसको, ऊपर का जो कॉलर होता है वो आपने देखा होगा उसमें हल्की हल्की चुन्नट वाला होता है, वो पाइपिंग को बेसिकली ये पाइपिंग काटने वाली मशीन है, बिल्कुल सीधी सीधी एक पल्ला काटती है छोटा, मतलब ये मान के चलिए 1 से 1.5 इंच का पल्ला काटती है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं तो सर ये कौन सी मशीन होने वाली है? ये भी आपकी रिप कटर है और ये आपकी, आपने देखा होगा हमारी जीन्स में जो बटन लगते हैं, यस, या जो हमारे यहाँ टिच लगे होते हैं, बिल्कुल साइड में लगे रहते हैं, यस यस, ये सब
के लिए ये यूज की जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नैप बटन, और कई हमारे जो देसी भाई हैं वो इसको बोलते हैं लोडर। लोडर, हाँ बिल्कुल, तो ये लोडर मशीन है। ठीक है, इधर फिर अगेन सिंगर का आ गया। हाँ, सर सिंगर फिर दोबारा आ गई। हैवी ड्यूटी में है ये? ये हैवी ड्यूटी नहीं है, ये बुटीक पे चलती है। सबसे मजे की बात है कि सिंगर ही एक ऐसा ब्रांड ऐसा है ओके जो आपको थ्रू आउट इंडिया कहीं सर्विस देता है। अगर आप इंडस्ट्रियल मशीन लेते हो, मतलब अगर आप ऐसी मशीन लेते हो जो इंडस्ट्रियल वाली है, हाँ जी, तो ऐसी मशीन पे आपको सर्विस थ्रू आउट इंडिया है। मान लीजिए आपने मेरे से दिल्ली से मशीन मंगाई कश्मीर, हाँ, कोई हमारे कश्मीर के व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरे को पीछे जो आपकी वीडियो थी उसमें कॉल भी आई है। ओके, बहुत बढ़िया, कश्मीर से मुझे कॉल भी आई, तो उन व्यूअर्स को अगर वो दोबारा वीडियो देखते हैं तो उन भाइयों को बहनों को सलाम है मेरा। तो ये मशीन आपको सर्विस वहीं देगी। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। तो सर ये लेदर के लिए है। हाँ, अच्छा, लेदर पे चलने के लिए। लेदर पे चलने के लिए एक्स्ट्रा लार्ज बॉडी, और मेरे हिसाब से शायद इस मशीन का कोई मुकाबला नहीं। Okay. अगर इसको लेदर सिलने के लिए यूज किया जाए, इस मशीन का कोई मुकाबला नहीं। आप बाकी मशीनों से देखो, ये कुछ ज्यादा ही यूज बहुत है, बहुत ज्यादा यूज है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो इसमें जो ये स्टिचिंग स्पेस है हमारा, ये भी ज्यादा है, प्लस जो हम पल्ला डालते हैं वो भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अगेन जुक्की का आ गया फिर से। ये तो सदाबहार है, ये तो दादा खरीदे पोता भरते हैं। अच्छा, ऐसा है ये? ऐसा है ये, बहुत सबसे टॉप क्वालिटी। हाँ, और मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि व्यूअर्स को एक गलत फहमी रहती है कि जैक और जुकी एक ही है। ओके, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैक जो है एक चाइनीज ब्रांड है, जुकी जो है एक जापानीज ब्रांड है। ओके, और इनके प्राइस में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं अभी हिंट देने वाला हूँ वीडियो के अंदर, कुछ 10,000 रुपए का फर्क आता है दोनों के प्राइस में। ओके, और मतलब डब्बा पैक जो सील पैक ऐसे मिलने वाला है जुकी का और जैक का, देख सकते हो दोस्तों। यानी आपको डब्बा पैक जितनी चाहे उतनी मशीनें मिल जाएगा, एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। टाइम 20 से 25 मशीन तो हमारे पास हमेशा स्टॉक में रहती ही है। बहुत बढ़िया। तो और स्टैंड बट्टा किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल। अभी तो हम कभी आपको अंदर कभी लेके नहीं गए, जो इसके पीछे हमारा गोदाम भी है। ओके, और हमारे दो गोदाम आगे भी हैं। तो किसी दिन कभी फुर्सत से होंगे तो आपको वहां पे भी लेके चलेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आपको बल्क में चाहिए, होलसेल के लिए चाहिए, अपना शॉप डाल रहे हो तो भाई एक बार विजिट कर लेना। यहाँ पे वैरायटी ऑफ बहुत मिल जाएंगे। सेकंड, आपको जोन सा मशीन चाहिए वो सब मिलने वाला है।